आज साथियों, मैं आप सभी के लिए इतिहास की ऐसी मुख्य जानकारी लेकर आया हूँ जो आज के समय में हम सभी को जानना बेहद जरूरी है। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल डीसीपी स्वदेशी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो साथियों, आज मैं बात करता हूँ वास्को डी गामा भारत क्यों आया था और हम 1757 में अंग्रेजों से आज़ाद हो जाते और क्यों नहीं हुए, तो इसी पर मैं आपसे विशेष बात करता हूँ। विशेष जो रीजन है, जो कारण है और जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे बताए जाने में भी कुछ भूल हो सकती है, लेकिन मुझे पूर्णता भरोसा है कि मैं जो बता रहा हूँ उसमें कोई त्रुटि नहीं है। आपको शायद हम सबने पढ़ा है कि समथिंग आज से लगभग 500 साल पहले वास्को डी गामा भारत आया था और वो एक विशाल रूप से आया था, जो कि भारत की खोज करने के लिए, भारत के को खोज करने के अभियान पर वो निकला था। और हमको इतिहास की चौपड़ियों में पढ़ाया गया है कि वास्को डी गामा एक बहादुर नाविक था, बहादुर सेनापति था, बहादुर सैनिक था। ये हमको इतिहास की किताबों में पढ़ने को मिला। तो साथियों, जब वास्को डी गामा, आपको बता दूं कि वास्को डी गामा जब भारत की खोज करने आया था, हिंदुस्तान की खोज करने आया था, क्या उससे पहले हिंदुस्तान नहीं था? जो हिंदुस्तान हजारों सालों पुराना हो, हजारों वर्ष पुराना हो, जो कि उसके दादा परदादाओं के जमाने से पहले का हो, तो क्या वास्को डी गामा किसी भारत की खोज कर सकता है? तो क्या है साथियों, आखिर वास्को डी गामा भारत क्यों आया, उस पर विशेष बात होनी जरूरी है। आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यह जानकारी हमारे इतिहास में हमको पढ़ाया किया जाता है। और एक ऐसे इंसान को जो हमेशा लूट का काम करता था, जिसका काम ही, जिसका पैसा ही लूट मारी का था, उस व्यक्ति को हमारे इतिहास में एक उसे हीरो बनाकर, गलत तरीके से हीरो बनाकर हमारे इतिहास में पेश किया गया। आपको बता दूं कि 14वीं-15वीं शताब्दी में उस टाइम में दो देश सबसे ज्यादा ताकतवर थे, एक स्पेन और एक पुर्तगाल। आपको बता दूं कि वास्को डी गामा की ठीक उसी प्रकार का जो कोलंबस अमेरिका लूटने गया था, इन दोनों के दिमाग में ये आया कहां से कि आप भारत को लूटो और आप अमेरिका को लूटो, ये इन दोनों के दिमाग में डाला किसने आखिर? तो इस बारे में आपको बेहद जानना जरूरी है। तो देखिए, उस समय में सत्ता, जिसे कहते हैं धर्म सत्ता, हुआ करती थी, एक छठवां कोप, सिक्स कोप हुआ करता था, जो कि क्रिश्चियनिटी सत्ता थी। तो उस कोप ने इनके बीच में आपसी लड़ाई हुआ करती थी, वो भी संपत्ति को, धन को लेकर, क्योंकि स्पेन जो माल लूटता था वो स्पेन के पास जाता था और जो पुर्तगाल अपना जहाज लूटते थे वो पुर्तगाल के पास आता था। तो उसी को लेकर इनमें लड़ाइयाँ होती थी कि कौन माल ज़्यादा रखेगा, आखिर माल किसके पास ज़्यादा रहेगा, धन किसके पास ज़्यादा रहेगा। तो उसी लड़ाइयों को लेकर ये अपना धर्म सत्ता, जो क्रिश्चियनिटी धर्म सत्ता थी, जो जिसमें छठवां कोप था, उस कोप के पास जाते हैं और कोप 1892 में एक आदेश पारित करता है, एक अध्यादेश लाता है, एक नोटिफिकेशन लाता है। उस नोटिफिकेशन में क्या होता है कि उनने मान लिया कि दुनिया पूरी हमारी है, तो उन्होंने उस दुनिया को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक भाग में पूर्वी हिस्सा कर दिया, दूसरे भाग में पश्चिमी हिस्सा कर दिया। एक भाग के लिए बोल दिया वास्को डी गामा से कि आप जाइए पूर्वी हिस्से को लूटिए, खाइए, मौज करिए, और वास्को जो कोलंबस था उसको बोल दिया गया कि आप जाइए
पश्चिमी हिस्से को लूटिए, खाइए, मौज करिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय की जो धर्म सत्ता थी, जो क्रिश्चियन की सत्ता थी, वो कितनी खतरनाक थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। एक मूल सवाल आता है कि क्या किसी सत्ता को या किसी कोप को ये अधिकार है कि क्या दुनिया को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जाइए आप पूर्वी हिस्से को लूटिए और आप जाइए पश्चिमी हिस्से को लूटिए। क्या ये अधिकार किसी कोप को 1992 में था? नहीं। अगर होगा तो गलत था, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ क्रिश्चियन की धर्म सत्ता आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने सोच लिया कि पूरी दुनिया तो हमारी है, पूरी दुनिया तो हमारी है, और हमने इसको दो भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग में स्पेन वालों से बोल दिया कि जाइए एक भाग को आप लूटिए, दूसरे भाग को बोल दिया कि जाइए दूसरे भाग को आप लूटिए। तो यह क्रिश्चियन की सत्ता थी। तो अब कोलंबस उसी आदेश को बरकरार रखते हुए 1492 में अमेरिका के लिए जाता है, और उस अमेरिका में जो मूल प्रजाति होती है रेड इंडियंस, जिन्हें माया सभ्यता के लोग भी कहते हैं, उन लोगों को मारना, लूटना, उनसे धन लूटना, जबरदस्ती मारकूट करना, तो ये काम कोलंबस करता था, और उसको महान व्यक्ति हमें बताया गया, हमें पढ़ाया गया कि वो बहुत महान व्यक्ति है। लेकिन नहीं, अगर मैं गुजराती भाषा में आपको बताऊं तो वो एक प्रकार का नराधम है। रियल पूछो तो वो एक प्रकार का नराधम है। वो कोई महान व्यक्ति नहीं था, वो कभी लूटपाट से पीछे नहीं हटता था। अगर उसको पता चले कि यहाँ पे 10 रुपए का सोना पड़ा है और नहीं दे रहा है तो उसको मार देता था। वो इस प्रकार का महान व्यक्ति था, वो नराधम प्रकार का व्यक्ति था। वो कितना सोच लो निर्दयी, कितना निराधम निर्दयी व्यक्ति था। अब क्या होता है जब वो पहली बार अमेरिका को लूटकर स्पेन में जहाज भर के भेजता है सोने चांदी के, तो स्पेन वालों को पता लगता है, स्पेन की आर्मी को पता लगता है, फौज को पता लगता है, स्पेनियों को पता लगता है कि अमेरिका में तो धन की अपार शक्ति है, धन अपार मात्रा में है, तो चलो चलते हैं, लूट के खाएंगे, मजे उड़ाएंगे और लेके चले आएंगे। अब क्या होता है कि जो स्पेन की फौज होती है, आर्मी होती है, वो अमेरिका के लिए चली जाती है, और जब वो अमेरिका में जाती है तो वहाँ पर जो वहाँ की मूल प्रजाति होती है, जो जिन्हें हम रेड इंडियंस कहते हैं, जिन्हें हम माया सभ्यता के लोग कहते हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनमें 10 करोड़ लोगों का नरसंहार कर दिया जाता है, उनको नष्ट कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। सोचो कितने खतरनाक निराधम रूप के ये लोग हैं, कितने निर्दयी लोग हैं ये, और इनको हम महान लोग कैसे कह सकते हैं ये। तो अब क्या होता है कि इन लोगों ने वहाँ पर, जो अमेरिका इतना प्रगतिशील है ना, वो 10 करोड़ वहाँ की जो मूल प्रजाति थी उसकी लाश पर खड़ा हुआ एक अमेरिका देश है। जो काम कोलंबस ने काम में किया, ठीक उसी का सेम तरीका वास्को डी गामा ने भारत में अपनाया। जब पहली बार वास्को डी गामा कालीकट में आया तो वहां का एक राजा था जामोरिन, उस वास्को डी गामा को पहले से ज्ञात था कि भारत में अतिथि देवो भवा की परंपरा चलती है। उस परंपरा के तहत जब वो भारत में आया और उस जामोरिन नामक राजा से, जो कालीकट का राजा था, वहाँ उससे कहा कि मैं आपके यहाँ अतिथि के रूप में आया हूँ, कृपया मुझे खाने की, रहने की, पीने की सारी व्यवस्था करके दीजिए। बेचारा सीधा साधा राजा, उसने उस वास्को डी गामा की बात को मानकर और उसको वहाँ रहने के, खाने की सारी व्यवस्था करके दी।
कुछ ही दिनों में उस वास्को डी गामा ने उस राजा की हत्या कर दी और खुद वहां का मालिक बन बैठा। जब वो वहां का मालिक बनता है, और अभी आपको बता दूं कि वो केरल के पास में कालीकट है जो कि समुद्र के किनारे है, तो उसका काम था कि ये जो जहाज जाते हैं यहाँ भारतीय जो अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं बेचते हैं बाहर देशों में, उन जहाजों से उन लोगों से उन भारतीयों से ये टैक्स वसूली करता था। ये वास्को डी गामा का काम था टैक्स वसूली करने का, ये उन लोगों से टैक्स वसूली करता था, और जो भारतीय इसको टैक्स नहीं देते थे उनका जहाज डुबाने का काम वास्को डी गामा करता था। उनका जहाज डुबाने का काम कौन करता था? वास्को डी गामा। ये था महान। अब वास्को डी गामा ने जब पहली बार लूटा तो वो यहां से 7 जहाज भर के सोने चांदी की असरपियां ले गया, दूसरी बार आया दूसरी बार भी ले गया, तीसरी बार आया तीसरी बार भी ऐसे ही ले गया, चौथी बार आना चाहा लेकिन मर गया। जब वो दूसरी बार आया तो समथिंग 11 से 12 जहाज भर के सोना चांदी ले गया, तीसरी बार आया 21 से 22 जहाज भर के ले गया। इसी प्रकार से वो 3 बार लगातार आया। उसके बाद पुर्तगाली आते हैं, क्योंकि पुर्तगालियों को ये कहीं से टैक्स मिल जाता है, कहीं से वो पढ़ लेते हैं कि भारत में तो अपार धन शक्ति है, धन की तो मात्रा बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर एक महमूद गजनबी नाम का व्यक्ति आया था, उसने एक ही जगह एक ही मंदिर को 17 सालों तक अरबों खरबों रुपया लूट लूट के लेता गया। जब आपको बता दूं कि पहली बार महमूद गजनबी आया तो उसने सोमनाथ मंदिर को एक बार लूटा, अरबों खरबों लूट कर ले गया, दूसरी बार आया अरबों खरबों लूट कर ले गया एक ही मंदिर से, तीसरी बार आया तब भी अरबों खरबों लूट कर ले गया। ऐसे ही करके वो हमारे सोमनाथ मंदिर हमारे देश में 17 सालों तक लगातार लूट मचाता रहा। ठीक पुर्तगाली जब आते हैं उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं, उसके बाद डच जो हॉलैंड वाले आते हैं, और उसके बाद पीछे से अंग्रेज चले आते हैं। लेकिन क्या होता है कि अंग्रेजों का जो सिलसिला अंग्रेजों का जो तरीका था वो कुछ चेंज था। पहले के जो लोग आते थे वो तलवार लेकर आते थे, फौज लेकर आते थे, आर्मी लेकर आते थे, जबरदस्ती मारकूट करते थे, तलवार के बल पर वो लूटपाट करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने सारा सिलसिला चेंज कर दिया, सारा तरीका चेंज कर दिया। वो सबसे पहले एक कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए, और वो मात्र 6 अधिकारी आए थे, और ये 6 अधिकारी सबसे पहले गुजरात के सूरत में आए थे। और आपको बता दूं कि जब जब लूट हुई है बाहरी देशों से, बाहर से जब भी लूट करने कोई आया है तो वो आया है सबसे पहले गुजरात के रास्ते से। और गुजरात के रास्ते से क्यों आते हैं? क्योंकि सबका मानना है कि गुजरात में सबसे ज्यादा धन है, पैसा है, संपत्ति। और ये सत्य है, आज के समय में भी गुजरात में सबसे ज्यादा धन संपत्ति है। सूरत एक ऐसा राज्य है, ये एक ऐसा शहर है जहां संपत्ति की अपार शक्ति है। तो उसी धन को लूटने के लिए ये लोग सबसे पहले गुजरात के सूरत में ही पहुंचते थे। जब सूरत में ये अंग्रेज 6 अधिकारी जब आए तो सबसे पहले जो बंगाल जो सूरत का नवाब था, सूरत के नवाब के पास, सूरत के राजा के पास ये लोग जाते हैं और उस राजा से अपना फरमान रखते हैं। कहते हैं कि हमको व्यापार करने के लिए आपके यहाँ पर अपनी कोठी बनाने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, क्योंकि हमको अपनी कंपनी से अपने आपके देश में व्यापार करना है। वहां का राजा बेचारा थोड़ा समझदार था, उसने उसको रहने के लिए कोठी बनाने के लिए जगह दी।
जब जगह दी उन्होंने अपनी कोठी बनाई, उस कोठी का नाम मिला क्योंकि उन अंग्रेजों में एक अंग्रेज का नाम था जेम्स कूपर, तो उसी की जगह कूपर विला रख दिया गया उसी के नाम के थ्रू। तो अब जब कूपर विला है जो बन गया, वो सर्वप्रथम पहली कोठी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली स्थापना उसी कोठी के माध्यम से हुई, वही कोठी पहले बनी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। अब क्या होता है साथियों, कम से कम 12 साल में, मतलब कि 1612 में जो वहां का सूरत का नवाब है उसकी हत्या कर दी जाती है, अंग्रेज उसको मार देते हैं, मरवा देते हैं और खुद वहां के बंदरगाह को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसी प्रकार से सेम इसी तरीके को अजमाते हुए उन्होंने मद्रास को, कलकत्ता में और जहां जहां दिल्ली में, लखनऊ में, मेरठ में, आगरा में, जहां जहां मानो अंग्रेज गए वहां वहां अंग्रेजों ने उसी तरीके से अपनी कोठी बनाई और अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का तिरंगा फैला दिया। अब इसी तरीके से उन्होंने 1750 तक मानो पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, पूरा भारत गुलाम बना दिया था। ये 1750 तक आते आते ये सारा काम हो चुका था। तभी एक राजा था, एक व्यक्ति था, उसको इस चीज के बारे में ज्ञात होता है, वो समझ जाता है कि ये अंग्रेज भारत को गुलाम करने आए हैं, गुलाम करने आए हैं, ये भारत को एक प्रकार से बिल्कुल बर्बाद करने के मूड में हैं, क्योंकि ये व्यापार का तरीका इनका अलग है, ये व्यापार करने नहीं आए हैं, ये बहुत कुछ करने आए हैं। के नवाब जिनका नाम है सिराजुद्दौला, उसको इस चीज के ज्ञात होता है और वो कहता है कि मुझको अंग्रेजों से एक भयंकर युद्ध लड़ना पड़ेगा, मुझे अंग्रेजों को यहां से भगाना पड़ेगा क्योंकि ये अंग्रेज भारत को गुलाम बना रहे हैं। उसने अपना प्रण ले लिया, उसने निश्चय कर लिया कि मुझे अब इनसे युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। अब साथियों क्या होता है कि जो अंग्रेजी सेना का सेनापति होता है रॉबर्ट क्लाइड, आपको बता दूं कि आप सभी ने एक युद्ध पढ़ा होगा जो प्लासी का युद्ध, हमको हमारी इतिहास में, हमारे इतिहास की चौपड़ी में हमको पढ़ाया गया कि प्लासी का युद्ध जो कि सन 1757 में हुआ था। आपको बता दूं कि जो 1757 में युद्ध हुआ था वो प्लासी का, उसमें मेरे दिमाग में कई बार क्वेश्चन आता था और मैंने एक बार यही क्वेश्चन अपने बरेली कॉलेज, बरेली के एक प्रोफेसर थे उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझको यही बताया कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हमको कहीं ऐसा पढ़ने को नहीं मिला जिसमें लिखा है कि अंग्रेजी सेना के इतने सिपाही थे और भारतीय सेना के इतने सिपाही थे। लेकिन ये इसकी भी प्लासी के युद्ध की कम से कम 150 किताबें हमारे भारत में हैं, लेकिन किसी भी किताब में ठीक से वर्णन नहीं किया गया है प्लासी के युद्ध का। आपको बता दूं कि आखिर सच्चाई क्या है, आखिर आप एक छोटे से व्यक्ति से या एक नॉर्मल दिमाग के व्यक्ति किसी से भी आप पता करेंगे कि एक साइड 18,000 व्यक्ति हैं और एक साइड 300 व्यक्ति हैं, उन 300 में और 18,000 में कौन जीतेगा? क्वेश्चन का उत्तर यही मिलेगा कि 18,000 व्यक्ति जीतेंगे, जहां 18,000 की सेना है वही जीतेगी, 300 व्यक्ति नहीं जीत सकते। और भारतीय सेना के बारे में आखिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बात चलती थी कि भारतीय सेना के सैनिक इतने ताकतवर हैं कि अंग्रेजी सेना के 4 सैनिकों को वो अकेले मार सकते हैं। अब क्या होता है साथियों, जब ये बात हो जाती है उसके बाद जब उनका सिराजुद्दौला, जो सिराजुद्दौला है वो निर्णय कर लेता है कि युद्ध होना ही होना है। अब युद्ध का जब समय आता है 1757, तो 1757 आने से पहले उसको, जो रॉबर्ट क्लाइड होता है, उसको पता होती है कि सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक हैं और मेरे पास मात्र 300 सैनिक हैं। तो वह क्या करता है, अपनी
ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए एक चिट्ठी भेजता है। उस चिट्ठी में लिखता है कि हमारे पास मात्र 300 व्यक्ति हैं, 300 सैनिक हैं, और जो हिंदुस्तान की तरफ से युद्ध लड़ रहा है सिराजुद्दौला, उसके पास 18,000 सैनिक हैं। तो ये युद्ध हम नहीं जीत सकते। अगर आप चाहते हैं कि हम इस युद्ध को जीतें, तो आपको और सैनिक भेजने पड़ेंगे। लेकिन साथियों, एक मज़ेदार जो चिट्ठी आती है उस पर ध्यान दीजिए, उस चिट्ठी में क्या था। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से एक चिट्ठी आती है, उस चिट्ठी में लिखा होता है कि हम आपको सैनिक नहीं भेज सकते, क्योंकि हमारे पास सैनिक नहीं है, आपको उतने ही सैनिकों से युद्ध लड़ना जीतना पड़ेगा। आपको बता दूं कि वो सैनिक क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि जो फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट था, उसके खिलाफ सारी अंग्रेजी सेना युद्ध लड़ रही थी, और जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो फ्रांस से अंग्रेजों को मार मार के भगा रहा था, इसीलिए सारी अंग्रेजी ताकत वहां पर लगी हुई थी, इसलिए यहाँ पर सेना देने के लिए इनकार कर दिया था। अब रॉबर्ट क्लाइड के अंदर दिमाग था, इसीलिए उसने थोड़ा दिमाग लगाया और कहा, अपने जासूस बनाए उसने और उन जासूसों को भारतीय सेना में भेज दिया। उन जासूसों से उसने कहा कि आप जाइए भारतीय सेना में और पता लगाइए कि भारतीय सेना में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो लालच में आ जाए और अपने देश को बेच सके, अपनी पुस्तकों को बेच सके। ऐसे व्यक्ति का जाकर आप भारतीय सेना में पता लगाइए। जासूस जो भारतीय सेना को में जाते हैं, वो बराबर जाकर पता लगाते हैं, और लगाकर जब वापस आते हैं तो रॉबर्ट क्लाइड से कहते हैं कि हाँ, उस सेना में एक व्यक्ति है जिसका नाम है मीर जाफर, वो अपने धन के लालच में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मीर जाफर के अंदर एक सपना था। जो सपना उसका था वो यह था कि वो चाहता था कि मैं एक दिन बंगाल का नवाब बनूं और मैं धन संपत्ति से मालामाल हो जाऊं। ये उसकी सोच थी, चाहे उसको देश के लिए कुछ गद्दारी कोई सी करनी पड़ जाए, वो हर गद्दारी पे कायम था। तो इसी सोच ने हमारे देश को कहां ले जाया, ये आप ठीक से सोचिए, क्योंकि इस घटना को मैं विशेष रूप से लेता हूं। जब रॉबर्ट क्लाइड को इस चीज की जानकारी हुई कि एक व्यक्ति है जो कि इस कार्य को कर सकता है, तो उसने एक चिट्ठी मीर जाफर के लिए लिखी कि आप बस मेरा एक काम कर दीजिए, मैं आपको बंगाल का नवाब बना सकता हूं और मैं आपको धन से मालामाल कर सकता हूं, आपको पूरा बंगाल का जितना धन है वो सारा धन आपका हो जाएगा, बस आप मुझे 5% दे दीजिए। अब ये जो सिस्टम है, जो उसकी जो चिट्ठी होती है रॉबर्ट क्लाइड के पास, उसके सॉरी मीर जाफर के पास पहुंचती है रॉबर्ट क्लाइड की चिट्ठी, तो मीर जाफर का जवाब आता है कि हाँ, आप काम बताइए, मैं आपका काम करने को तैयार हूं। उसने कहा कि आप मेरे लिए अपनी जो आपकी सेना है उस सेना से बोल दीजिए कि वह जब मुझसे युद्ध लड़े, युद्ध मैदान में अपने हथियार फेंक दे, अपने हथियार रख के मेरे सामने सरेंडर हो जाए, आपकी सारी सेना मेरे सामने सरेंडर हो जाए, तो मैं आपको बंगाल का नवाब बना दूंगा और आपको धन से मालामाल कर दूंगा, आपको जितना धन लूट मिले लूट लेना बंगाल से, सारा धन आपका हो जाएगा, मुझे बस 5% दे दीजिए। साथियों, क्या होता है कि जो 18,000 सैनिक होते हैं वो 300 सैनिक के सामने सरेंडर हो जाते हैं और अपने हथियार फेंक देते हैं। इतनी बड़ी घटना हमको इतिहास में, हमारे इतिहास में किस तरीके से हमको दिखाई गई, बताई गई, इसका हम अंदाजा यहां से लगाते हैं। जब उन 18,000 सैनिकों ने अपने शस्त्र फेंक दिए और उनके सामने जो 300 सैनिक अंग्रेजी सैनिक थे, 300
उनके सामने सरेंडर हो जाते हैं और उनको बंदी बना लिया जाता है 18,000 सैनिकों को, 300 सैनिकों को द्वारा। उनको जब फोर्ट विलियम, आप जानते होंगे कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम है, उस फोर्ट विलियम में जाके उनको 10 दिन तक कैद में रखा जाता है, उनको बंद रखा जाता है, उनको भूखा रखा जाता है। लेकिन जब 11वां दिन आता है तो उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। और उनके साथ में जो व्यक्ति होता है मीर जाफर, वो बिल्कुल उनके साथ में होता है और वो हत्या कराने में फर्स्ट नंबर पे होता है, उसका पूरा हाथ होता है हत्या कराने में। उसने ही 18,000 सैनिकों को मरवा दिया उसके साथ, रॉबर्ट क्लाइड के साथ मिलकर। अब साथियों 3-4 दिन के बाद ये जो पहले बंगाल की राजधानी हुआ करती थी मुर्शिदाबाद, वहां पर जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसकी भी हत्या मिलकर कर दी गई। बंगाल का नवाब मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई रॉबर्ट क्लाइड प्लस मीर जाफर ने मिलकर। दोनों का हाथ था सिराजुद्दौला को मारने का। जब सिराजुद्दौला मर जाता है तो वहां का नवाब कौन बनता है? मीर जाफर। सोचो जो व्यक्ति अंग्रेजों को भजाने का प्रण लेता था, जो उनको भजाने का सपना देख रहा था, उसको मार दिया जाता है। और जो व्यक्ति देश के साथ गद्दारी करता है, जो व्यक्ति अंग्रेजों से दोस्ती करता है, वो खुद बंगाल का नवाब बन जाता है। अब क्या होता है कि उन कैदियों को मर जाते हैं, बंगाल का नवाब बन जाता है, सारी धन संपत्ति उसकी हो जाती है, मानो अंग्रेजों ने वहां पर भी कब्जा कर लिया। उसके बाद साथियों मैं आपसे यही कहने आया हूं कि आप उस समय 1757 में एक जो रॉबर्ट क्लाइड का एक इंटरव्यू था जो अंग्रेजी सिस्टम में लिया गया था, अंग्रेजी पत्रकारों के द्वारा लिया गया था, इंटरव्यू पर लिखा गया था कि रॉबर्ट क्लाइड ने बोला था जो प्लासी का युद्ध मेरे साथ हुआ था, उस प्लासी के युद्ध में अगर मेरे लिए जो जनता देख रही थी आसपास खड़ी हुई, और अगर वही जनता एक एक पत्थर उठा के मार देती, एक एक पत्थर उठा के मार देती, तो हम तो वहीं मर जाते और हम तो उसी दिन आजाद हो जाते। एक सवाल मेरे मन में यह भी आता है, क्या जो मीर जाफर था उसको पता नहीं था कि मेरा देश, मेरा भारत लाखों सैकड़ों वर्षों की गुलामी में जा सकता है, सैकड़ों वर्ष गुलाम हो सकता है? उसको पता था, मीर जाफर जानता था कि देश इतनी गुलामी में जा सकता है, लेकिन मीर जाफर को इसकी कोई लेना देना नहीं था। वो देश के साथ गुलामी करवाना चाहता था, वो उसे सिर्फ कुर्सी से लेना देना था, बाकी कुछ नहीं। आज के समय में ढेर सारे मीर जाफर पैदा हो चुके हैं, हजारों मीर जाफर हैं। 1757 में तो एक मीर जाफर था, लेकिन आज के समय में हजारों मीर जाफर हैं। तो साथियों उन मीर जाफरों को सुधारने का काम हम सबका है, क्योंकि आज के समय में अगर मीर जाफर आता है बहुत बड़ा घोर अपराध हो जाएगा। कृपया मैं आपको बस यही बात बताने आया हूँ साथियों, मीर जाफर को बचाने का प्रयत्न कीजिए, मीर जाफर जो बनता है उसको सुधारने का प्रयत्न कीजिए, मीर जाफर